दोस्तों आज अगर आपको खाना ऑर्डर करना होता है तो जरूरी नहीं है कि आप रेस्टोरेंट जाके ऑर्डर करें। आप अपने फोन में किसी एप्लीकेशन, किसी सर्विस के थ्रू भी फूड ऑर्डर कर सकते हैं और वो आपके घर पे डिलीवर हो जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग लगभग वैसा ही है और आज के इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों ऐसा है और भी बहुत कुछ जानेंगे। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रेश, आप देख रहे हैं गीकाचार्य और आज बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग। दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग को समझने के लिए आपको बेसिकली ये समझना होगा कि जो भी आप कंप्यूटर्स खरीदते हैं कभी तो उसमें एक प्रोसेसर होता है, एक रैम, सर्टेन अमाउंट ऑफ रैम होता है, कुछ स्टोरेज होता है और डिस्प्ले वगैरह बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो इन सारे कंपोनेंट्स को मिला के अगर कोई आदमी आपको इंटरनेट के थ्रू डिलीवर कर दे ओवर द इंटरनेट, जितना भी ये प्रोसेसिंग पावर के लिए जो भी चीज़ें जरूरी होती है जैसे कि रैम, स्टोरेज और आपका प्रोसेसर, अगर इन सबको मिला के एज अ सर्विस आपको डिलीवर कर दिया जाए आपके डोरस्टेप पे इंटरनेट के थ्रू, तो वो हुआ क्लाउड कंप्यूटिंग। अब ऐसा क्यों करते हैं तो इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाइए समय में, तो पहले साइबर कैफेज होते थे इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, पहले गेम पार्लर्स हुआ करते थे अगर आपको गेम खेलना है तो। वो इसलिए होता था क्योंकि पहला लोगों के पास इतने पैसे इन्वेस्ट करने को लोग तैयार नहीं होते थे कि अपफ्रंट सारे रिसोर्सेज के लिए पैसे इन्वेस्ट किए जाए कि कंप्यूटर भी खरीद लिया, महंगा इंटरनेट भी लगवा लिया और भी बहुत कुछ जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारी फुलफिल कर रही। तो अपफ्रंट कॉस्ट को कम करने के लिए ऐसा नहीं करते थे लोग। और दूसरा रीजन ये होता था कि लोगों को पता नहीं होता था कि उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो प्रोसेसिंग पावर है वो कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स लेके आएगी। मतलब कि आपको 2 कोर का सीपीयू से काम हो जाएगा या 4 कोर का सीपीयू चाहिए होगा, 4 GB रैम से आपका काम हो जाएगा या 8 GB रैम चाहिए होगी, आपको स्टोरेज कितना चाहिए होगा, आपका मॉनिटर कैसा होना चाहिए, ये सब आपको पता नहीं है। तो आप हो सकता है कि या तो कम रिसोर्सेस खरीद लें या फिर ज्यादा रिसोर्सेस खरीद लें। तो ये 2 वजहों से हम ऐसा करते थे कि हम किसी पहले से जो चीज सेटअप करके रखी गई वहां पे जाके अपने काम के लिए जितना भी टाइम का रेंटल होता था वो रेंट पे करके अपना काम करके आ जाते थे। क्लाउड कंप्यूटिंग के केस में ऐसा किया जाता है, आप अपनी जरूरत के मुताबिक डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितने कोर सीपीयू चाहिए, कितना रैम चाहिए, कितना स्टोरेज चाहिए, और फिर जो कंपनी कहीं किसी डेटा फार्म में अगर होस्ट कर रही है या डेटा सेंटर में अगर होस्ट कर रही है ऐसे क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट को, तो वहां पे आप अपना पर्टिकुलर यूजर नेम पासवर्ड आपको वो कंपनी दे देती है, आप उस पर्टिकुलर यूजर नेम पासवर्ड को अपने कंप्यूटर या फोन में ब्राउजर या किसी फ्रंट एंड एप्लीकेशन में डालेंगे और आपको वो जो सर्टेन रिसोर्सेज आपने सेलेक्ट किए हैं वो मिल जाते हैं। अब क्लाउड कंप्यूटिंग का जो सेटअप होता है वो 3 तरह का हो सकता है बेसिकली। पहला होता है पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग सेटअप्स, जैसे अमेजोन या गूगल की क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है। कोई भी आदमी, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी फर्म अगर चाहे तो गूगल या अमेजोन के पास सर्टेन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज को के लिए अप्लाई कर सकता है और गूगल, ये ऑनलाइन ही प्रोसीजर है सारा। आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, आपको एक यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा, आप उस यूजर नेम पासवर्ड से लॉग इन करिए और जितने भी रिसोर्सेज आपने रेंट किए हैं उनका आप यूज कर सकते हैं। अब होता है दूसरा होता है प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग सेटअप। प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग सेटअप के केस में क्या है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसने खुद का क्लाउड कंप्यूटिंग सेटअप तैयार किया खुद की यूज के लिए, उसे कोई पब्लिक में जाके कोई आप या मुझ में से कोई आदमी जाके यूज नहीं कर सकता है, तो वो हो गया प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग सेटअप। अब तीसरे होते हैं हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग सेटअप, मतलब कि कोई पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग सेटअप का थोड़ा हिस्सा और प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग का थोड़ा हिस्सा, दोनों मिला के हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग सेटअप हो गया। अब ये तो रही बात क्लाउड कंप्यूटिंग की, क्लाउड कंप्यूटिंग के सेटअप्स की। अब क्लाउड कंप्यूटिंग के सेटअप्स के जरिए जो सर्विसेज आपको डिलीवर की जाती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम एज अ कंज्यूमर सर्विसेज को ही यूज करते हैं। तो सर्विसेज भी कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड करी जा सकती है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में क्या होता है कि जैसे मैंने अपना, आप जब कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो उसमें सर्टेन स्पेसिफिकेशंस होते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप अपना जो कंप्यूटर आपका क्लाउड पे है या जहां पे भी होस्ट किया जा रहा है उसकी सर्टेन सेट ऑफ स्पेसिफिकेशंस को आप लीज कर सकते हैं और फिर जितना भी आपने स्पेसिफिकेशंस लिया है वो आपको इंटरनेट के, आप इंटरनेट के थ्रू उस स्पेसिफिकेशन के सिस्टम को वर्चुअल मशीन के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। एक वर्चुअल मशीन जैसा चीज होस्ट कर दी जाती है वहां पे डेटा सेंटर में जहां पे जिस भी कंपनी का क्लाउड कंप्यूटिंग का सेटअप आपने लीज लिया है। दूसरा होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अब फर्ज करिए कि आपने कभी कोई लैपटॉप खरीदा और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ऐसे में आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं खरीदने के बाद लैपटॉप को, पहले ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, फिर ड्राइवर्स इंस्टॉल करते हैं, फिर अपने काम की एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, तो इसमें लगता है बहुत सारा टाइम और बहुत सारा इंटरनेट कनेक्शन का जो आप डेटा यूटिलाइज कर रहे हैं वो।
तो इससे बचने के लिए सर्टेन एप्लीकेशंस के लिए पहले से ही सेटअप करके प्लेटफॉर्म बना दिए जाते हैं। ऐसे जो होस्टिंग कंपनीज होती है, जो भी क्लाउड कंप्यूटिंग होस्ट कर रही हैं, वो अपने पास एक सर्टेन सेट ऑफ प्लेटफॉर्म बना देते हैं, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है आप उसके हिसाब से सर्टेन प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं और अपना काम सीधे शुरू कर सकते हैं बिना कोई एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल किए, क्योंकि आपकी जरूरत के एप्लीकेशंस पहले से ही उस सेटअप में इंस्टॉल करके आपको दिए जाते हैं। तीसरा है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब दोस्तों इस प्रेजेंट टाइम में हम सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस को सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं, और वो ऐसे कि अगर आपने पबजी मोबाइल एप्लीकेशन का नाम सुना हो तो आप ये जानते होंगे, अगर आपने उसे एक्सपीरियंस किया, वो एक एक मोबाइल गेम है। अगर आपने पबजी मोबाइल खेला है तो आप ये जानते होंगे कि अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो ही आप उसे फोन में इंस्टॉल करने के बाद खेल सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो भले ही आपके पास पबजी मोबाइल इंस्टॉल्ड हो आप खेल नहीं पाएंगे, क्योंकि उस सॉफ्टवेयर को एज अ सर्विस आपके फोन में डिलीवर किया गया है। उसके सर्टेन पार्ट्स अभी भी टेंसेंट के सर्वर पे स्टोर्ड है। टेंसेंट वो कंपनी है जो पबजी मोबाइल को होस्ट करती है, तो टेंसेंट के सर्वर में उसके कई सारे कंपोनेंट्स ऐसे होस्टेड हैं जो जिनकी आपको जरूरत पड़ती है उस गेम को खेलते वक्त, और इसके लिए आपके पास एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है। तो इस तरह से इंटरनेट के ऊपर आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस गेम के डिलीवर किए जाते हैं। ऐसे ही एक और सर्विस है यूट्यूब, जिसपे आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तो आप कोई भी नया वीडियो नहीं देख सकते जिसको कि आपने ऑफलाइन नहीं किया हो। मैंने नया इसीलिए बोला क्योंकि आपने नए वीडियो को ऑफलाइन नहीं किया होगा, तो आप कोई भी नया वीडियो नहीं देख सकते हैं जब तक कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन ना हो, क्योंकि उस डेटा को किसी सर्वर पे स्टोर किया गया, आप उसे एक्सेस कर रहे हो किसी सर्वर से। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग की सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के प्राइम एग्जांपल से। गूगल की ज्यादातर एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ही हैं। ऐसे कोई भी एप्लीकेशन जिन्हें आप इंटरनेट कनेक्शन ना होने पे यूज नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब ये है कि उस सॉफ्टवेयर के सर्टेन पार्ट्स को किसी डेटा सेंटर में या कहीं किसी रिमोट लोकेशन में स्टोर किया गया है, और आपका एप्लीकेशन जब चलता है तो उन रिसोर्सेस को यूज करता है, और इस वजह से इंटरनेट ना होने पे वो उन रिसोर्सेस को एक्सेस नहीं कर पा रहा है, वो नहीं चल पा रहा है। तो दोस्तों ये था मेरे साइड से क्लाउड कंप्यूटिंग पे इनपुट। क्लाउड कंप्यूटिंग पे बोलने को मुझे बोला था आदित्य वर्मा ने, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आगे आप वीडियो में क्या देखना चाहते हैं, आगे के वीडियोस में आप क्या जानना चाहते हैं, क्योंकि मैं हर एक कमेंट को सीरियसली लेता हूँ और हर एक कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ, रेस्पॉन्ड करने की कोशिश करता हूँ। और आदित्य वर्मा को थैंक्स कि उन्होंने मुझे एक टॉपिक दिया बोलने के लिए, और शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, लाइक करिए अगर आपको मेरा काम पसंद आया, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइमली डिलीवर होते रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।